सा आप लोगों का स्वागत है और आज एक विशेष मुद्दे के ऊपर वार्तालाप की जा रही है और वह है कि आगामी 11-12 फरवरी को डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात गोलमेज सभा, उन्हीं के लिए जिन्होंने गोलमेज सभा में जाकर के दलितों पिछड़े महिलाओं का उद्धार किया था, उन्हीं के सम्मान के लिए हम भी गोलमेज बैठक कर रहे हैं और हमारा मुख्य मुद्दा है कि नई संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से होना चाहिए, ये हमारी मांग है। गत 28 नवंबर को हमने रैली भी किया था, अभी सरकार के तरफ से कोई खबर नहीं आई, कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके पहले तेलंगाना की सरकार ने 3 दिन के लिए विशेष सत्र बुला करके प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया है और यह कहते हुए कि संसद का नाम बाबा साहब के नाम से होना चाहिए। तो एक एक प्रदेश से हमें समर्थन भी मिल गया है तो हमारी बात में दम है। अब जब इसमें अगर कमी होगी तो बाबा साहब के अनुयायियों में, हमारी अपील के बाद में भी बाबा साहब के अनुयायियों में जो हलचल होना चाहिए नहीं। तेलंगाना की सरकार के मुख्यमंत्री कोई दलित नहीं, एक गैर दलित मुख्यमंत्री ने जब विशेष सत्र बुला करके प्रस्ताव पास करके मांग किया है कि नई संसद का नामकरण बाबा साहब के नाम से हो तो बात में तो दम है। फिर दलित समाज जातिवाद में फंसा है कि अहंकार में फंसा है कि क्यों नहीं इकट्ठा होता, अगर यह लड़ाई किसी और ने भी चालू करी होती तो हम लोग जले जाते। हमने तो एक रैली भी किया, बहुत सारे खर्चे हुए जिसकी खर्चे की पूर्ति भी नहीं हो पाई। हमारे साथ ही डॉक्टर ओम सुधा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, परिसंघ के रात दिन लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। तो क्यों दलित समाज या अम्बेडकरवादी नाम लेते हैं जब बाबा साहब के लिए कुछ बड़ा करने का समय आता है तो शांति क्यों, सक्रियता क्यों नहीं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से संदेश भेजने का प्रयास है कि आगामी 11-12 फरवरी को डिप्टी स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में 2 दिवसीय गोलमेज सभा में भाग लें। इसके अतिरिक्त तो भी न्यायपालिका से जितनी क्षति हो रही है आरक्षण को लेके या मजदूरों का गरीबों के खिलाफ जो फैसले आ रहे हैं उसका वजह है कि सवर्णों के हाथ में जुडिशरी है वहाँ भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो। और जिस तरह से पोर्ट, BSNL, MTNL, रेल, बैंक उठा उठा के पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं उससे नौकरियां समाप्त हुई हैं, और ठेकेदारी प्रथा लागू हुआ, लेटरल एंट्री के माध्यम से तमाम अधिकारी घुसा दिए गए, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। यह भी मुद्दे हैं जिस पर विचार नहीं है, ये किसी विशेष संगठन का नहीं है। जिस दिन तक को खबर लगे हमें पहले से सूचना कर दें, क्योंकि इसका शुल्क भी रखा है डॉक्टर ओम सुधा जी ने, 2 दिवसीय कार्यक्रम है।
तो फोन नंबर डॉक्टर ओम सुधा जी का है 8789325595। तो जो अंबेडकरवादी हैं और जो मानवतावादी प्रगतिशील लोग हैं, जो चाहते हैं कि समाज में समतामूलक समाज की स्थापना हो, न्याय मिले और नई संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर हो, तो संपर्क करें। धन्यवाद सर। योगी कह रहे हैं कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। मैंने कल यह टेलीविजन पर देखा तो हमने कहा कि अगर सनातन धर्म राजधर्म है तो सिख ईसाई मुस्लिम जैन पारसी धर्म का कहाँ अस्तित्व है, हम कहाँ खोजें उनको। उसके बाद ऐसा लगता है भूचाल आ गया। आज तो सुबह हम उठते ही देखा 10-5 टेलीविजन वाले आ गए, तो हमने कहा भाई एक विमर्श हम कर रहे हैं, पूछ तो रहे हैं कि दूसरे कोई धर्म है कि नहीं है यहाँ पर। फिर एक बात और आई और एक बात मैंने और पूछा कि सनातन धर्म में दलितों पिछड़ों महिलाओं की स्थान किस जगह पे है, वो भी बता दें। तो ये तो एक विमर्श मैंने किया और ये जवाब अपेक्षित है। वो आज दिन भर लगता है कि मूल रूप से यही न्यूज चलेगी। तो संवाद किया जा रहा है तो आरएसएस के प्रचारक सरसंघ चालक या योगी जी इसका जवाब किस तरह से देखते हैं उसको, उसका हम इंतजार कर रहे हैं, दलित समाज इंतजार कर रहा है। सर अडानी डूब रहे हैं ऐसी खबरें आ रही हैं, भारी नुकसान हो रहा है उनको, आप भी निजीकरण का विरोध करते रहे। हिंडनबर्ग एक रिसर्च संस्था है, उसने 88 सवाल किए हैं और उसके बाद में लगभग 1.5 लाख करोड़ का घाटा अडानी का हुआ, 2.5 लाख करोड़ का जनता का हुआ। मैं जनता से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जिन्होंने इनके यहाँ शेयर लगाया हो तुरंत शेयर बेच दे, और मोदी जी से उम्मीद करूंगा कि SBI LIC के पैसे को बचाएं, वो पैसा डूब रहा है, जनता का डूब रहा है। और ये फर्जी इनका मूल्यांकन हुआ है, तीसरे स्थान से सातवें स्थान पर चले गए 24 घंटे में, तो इस उद्योगपति को जेल भेजा जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैनिपुलेट किया है, या कहा था कि हम अदालत जाएंगे और हिंडनबर्ग को हम अदालत में घसीटेंगे, तो हिम्मत है घसीटे? अगर यहाँ का भी मुकदमा अमेरिका में लड़ा जाएगा तो वहाँ ज़्यादा त्वरित और सही न्याय मिलेगा, यही नहीं मिलेगा। अमेरिका की अदालत से लोग डरते हैं, चाहे मुकदमा भारत का ही क्यों ना हो। तो चुनौती दिया मोदी जी जाए संभाले कि एंडरसन की जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है। अभी तो धमकी तो दे दिया और धमकी स्वीकार कर लिया हिंडनबर्ग ने, उसके आगे चुप हो गए, हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की। सर आप लोग विमर्श की बात करते हैं लेकिन तमाम बाबा देश में इकट्ठे होकर आपके विमर्श के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये समाज सोया हमारे बल बोते ही तो वो लोग उछल कूद रहे हैं। जब दलित पिछड़े उनका साथ न दें, उनका लात बर्दाश्त न करना सीख जाए, यही तो उनके भ्रम में रहते हैं, खासतौर से पिछड़े, उसी से वो चौड़े हुए हैं, वो सबके ठेकेदार बने हुए, जो भी कहते अर्थ का अनर्थ, यानी अपने हिसाब से रामायण की पंक्तियों का व्याख्यान कर रहे हैं। अच्छा इस मामले में बड़े एक्टिव हो जाते हैं,
परसों की बात है, कर्नाटक में दलित की बारात मंदिर की ओर जा रही थी। हवन पूजा करने के लिए जो भी है, मंदिर का दरवाजा ही नहीं, रास्ते की दुकानें बंद करवा दी गई। अब आप बताइए कि उस दलित के ऊपर क्या गुजरा होगा। न ये जीने देते हैं, न मरने देते हैं। यहाँ भी मारते हैं और ईसाई बनते मुसलमान बनते तो वहाँ भी मारते हैं, तो कहाँ जाएं? एक हफ्ते पहले उत्तराखंड में दलित ने मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया, पूरे रात भर पीटा। तो रोज ऐसी घटना होती, रोज पिटाई होती, और फिर कह रहे हैं धर्मांतर मुस्लिम कर रहे हैं, ईसाई कर रहे हैं, तो कहाँ जाए? तो इन्होंने ठान लिया कि न इनको जीने देंगे न मरने देंगे। पर आवाज तो उठ रही है ना सर, देखिए पिछड़े आवाज तो उठा रहे हैं। एक अच्छी बात है कि अब पिछड़े भी आवाज उठा रहे हैं, एक अच्छी बात है कि पिछड़े भी आवाज उठा रहे हैं और दमखम के साथ। सभी मुद्दों के बीच बीबीसी के एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्री आई है नरेंद्र मोदी पे, जेएनयू जामिया डीयू में काफी दंगे हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे उससे पोलराइजेशन होगा सोसाइटी का, फायदा होगा बीजेपी को, छोड़ो उसके ऊपर क्या करना है, रोएंगे और तो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इस देश के वामपंथियों के समझ में नहीं आया, जितना हाय तोबा मारपीट या जितनी मुस्तैदी सिख के ऊपर भिड़े हुए हैं, दलितों को आरक्षण के लिए या निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए या और मुद्दे को जहाँ अत्याचार है भीड़े, तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी भला होता और बीजेपी भी कमज़ोर होती। तो इस देश के कम्युनिस्टों को समझ में आती नहीं बात। ये डॉक्टर ओम सुधा ने कल मुझे बताया तो मुझे ख्याल आया इस बात के ऊपर।